आप स्टॉक अकाउंट कैसे बनाएं? अगर आपको नहीं मालूम कि आप लोग कैसे अपने मोबाइल फोन से आप स्टॉक अकाउंट बना सकते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने मोबाइल फोन से आप स्टॉक अकाउंट को बनाना है तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना है जहां आपको ऐप की लिंक मिलेगी लिंक पर आपको क्लिक करना है और ऐप को डाउनलोड कर लेना है जहाँ आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को आता है जैसा कि आप देख रहे होंगे ठीक और ये ऐप गूगल प्ले स्टोर ऐप है फिर हमें यहां पर ओपन कर देना है ओपन करेंगे तो आप यहाँ पर आप समझिएगा आपके सामने फिल करना है ठीक है जिस नंबर से आप यहाँ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो हम यहां पर अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे फिर कंटिन्यू करके आएंगे आपको बताएंगे तो आप भाई यहाँ पर देख रहे होंगे हमने यहाँ पर अपना मोबाइल में फिल कर दिया हमें यहाँ पर ओ फिल कर देना है तो हम यहाँ पर ओ फिल करेंगे फिर आगे आपको बताएंगे और यहाँ पर हमारा ओ ऑटोमेटिक फिल हो चुका है अब आपके सामने ऐसा पेज आएगा अब यहाँ पर आपको सिंपल से कंटिन्यू विथ गूगल पे क्लिक करना है यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी ई मेल आती हैं तो आपको यहाँ पर कोई सी भी एक ई मेल आई डी सिलेक्ट कर लेनी है तो हम यहाँ पर अपनी ई मेल को सिलेक्ट करेंगे फिर आगे आपको बताएंगे तो आप भाई यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर ई मेल को सिलेक्ट किया है तो हमारे सामने ऐसा पेज है यहाँ पर हमें KYC को करना है तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना है और समझना है कि आपको के को कैसे कंप्लीट करना है तो हम यहाँ पर कंप्लीट योर के पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने एक पेज आएगा यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पेज आता है यहाँ पर सबसे पहले आपको यहां पर ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मतलब कि आपको कितना का एक्सपीरियंस है आपको सेलेक्ट कर लेना है अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सेलेक्ट कर लेना नहीं है तो आपको लेस देन में कर देना ठीक है तो हमने यहाँ पर वन ईयर किया है अब यहाँ पर आपकी साल में कितनी इनकम है आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जैसे कि हम यहाँ पर वन से फाइव लाख कर रहे हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपकी ऑक्यूपेशन के मतलब तो कि आप क्या करते हैं स्टूडेंट हैं या जो भी है तो हम यहाँ पर अदर कर रहे हैं ठीक है और फिर हमें यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू करेंगे फिर आपके सामने एक पेज आता है यहाँ पर आपको जेंडर मेल फीमेल जो भी है आप यहां यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ठीक है फिर आप यहाँ पर आपका शादी हुई है या सिंगल है जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है जब आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आता है अब यहाँ पर आपको इस सारी चीजें यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है कंटिन्यू करने बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा पेज आता है और यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं तो हम यहाँ पर ड्रॉ सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम अपने सिग्नेचर करेंगे फिर आपको आगे बताएंगे दोस्तों हमने यहाँ पर अपने साइन कर दिया हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे दोस्तों सिग्नेचर करने के बाद जब आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज आता है यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होता है और फिर आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको फिल कर देंगे चलिए हम ये भी कंप्लीट करते हैं फिर आगे आपको बताते हैं आप भाई यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया फिर हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके हमें थोड़ा सा वेट करना हो UH UH! होगा फिर आपके सामने ऐसा पेज आता है अब यहाँ पर हमें कन्फर्म कर देना है कन्फर्म करना दोस्तों आपके सामने एड्रेस वाला पेज आता है फिर हमें यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक कर देना है हम क्लिक करेंगे फिर आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी सेल्फी लेनी होती है तो आपको यहाँ पर अपनी फोटो बिल्कुल क्लियर लेनी होती है तो हम यहाँ पर अपनी फोटो लेंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम ठीक है और टैग फोटो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपको अपनी फोटो बिल्कुल क्लियर लेनी है तो हम यहाँ पर अपनी फोटो लेंगे फिर आगे आपको बताएंगे दोस्तों जब आप लोग यहाँ पर सेल्फी लेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आता है यहाँ पर आपको अपनी यू पी को वेरीफाई कर सकते हैं आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर भी एड कर सकते हैं तो हम यहाँ पर अपनी यूपी आई को वेरीफाई करेंगे फिर आगे आपको बताएंगे जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपनी यूपीआई आई को जोड़ते हैं और एक रुपए की पेमेंट करते हैं तो आपके सामने ऐसा पेज आता है अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे फिर आपके सामने ऐसा पेज आएगा तो आपको यहाँ पर फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है फिर जब आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है तो यहाँ पर आप अपने नॉमनी वगैरह ऐड कर सकते हैं आप चाहे नहीं करना चाहते तो आप ऐड लेटर पर आपको क्लिक कर देना है फिर आपके सामने ऐसा पेज आता है अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर एप्लीकेशन पे क्लिक करना होता है फिर आपको आगे बताते हैं आपको क्या क्या करना होगा जब दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज आता है यहाँ पर आपको सिंपल से सेलेक्ट कर लेना है फिर आपको सबमिट कर देना है सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है वेट करने के बाद दोस्तों आपके सामने ऐसा ऑप्शन आता है आपको ऊपर से सामने सेलेक्ट कर लेना है फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड नंबर अपना यहाँ पर फिल करना है फिर आपको सेंड ओ पर क्लिक करना होता है फिर आपके पास एक ओ आएगा ओ फिल करना चलिए हम यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर फिल करते हैं फिर ओ मंगाते हैं जब हम यहाँ पर ओ टी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओ आएगा जिस नंबर से आपका आधार कार्ड लिंक होगा उस नंबर पर आपको एक ओ टी पी रिसीव होगा जिसको आपको फिल करना होता है चलिए हम अपना यहाँ पर ओ फिल करते हैं फिर आगे आपको बताते हैं दोस्तों हमने अपना ओ टी पी यहाँ पर फिल कर दिया अब हमें यहाँ पर वेरीफाई ओ पर क्लिक करना है जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पे था आप, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना होता है दोस्तों मैंने आपको सब कुछ बता दिया कैसे आपको आप स्टॉक में केवाईसी करनी है कैसे आपको यहाँ पर यूपीआई आईडी को ऐड करना है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपका अकाउंट तीन से चार दिन में बन जाता है जब दोस्तों आपका अकाउंट बन जाता है इसका दोस्तों आप लोग यहाँ पर शेयर को बाय कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप लोग किसी भी कंपनी का आईपीओ भी बाय कर सकते हैं तो दोस्तों इसके बारे में आपको अगली वीडियो बताऊंगा कि कैसे क्या आपको आप स्टॉक से पैसा कमाना है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुछ समझ गए अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना कमेंट बॉक्स में प्यार सा कमेंट करना वीडियो को शेयर करना तो दोस्तों आपसे मिलेंगे वीडियो में टाटा बाय बाय जय हिंद बंदे मातरम अच्छे से रहिए अपना ख्याल रखिए क्योंकि दोस्तों आप हमारा हमारी फैमिली